बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजुमदार। आज मैं आपको बताऊंगी पितृ दोष की क्या क्या संकेत है, कैसे बिना कुंडली के आपको पता लगेगा आपके ऊपर पितृ दोष है। तो आज आपको मैं बताऊंगी, एक एक करके आप नोट कर लीजिएगा। यदि घर में आकस्मिक मृत्यु हो रही है आपके परिजनों में, आपके घर में, आपके जानकार मतलब आपके रिलेटिव्स में आकस्मिक आप मृत्यु हुआ है किसी, बहुत वो अपने घर का कोई अपने लोग मृत्यु हुआ है आकस्मिक, तो आप समझ जाइएगा आपके ऊपर पितृदोष है। तो इसका कारण जो है पितरों का श्राद्ध ठीक से ढंग से श्राद्ध तर्पण नहीं होने से पितृ जो है नाराज होते हैं, और तब जाके इस तरह के चीजें, इस तरह के इंसिडेंट होती है। इसके अलावा वंश वृद्धि नहीं होती है घर पे, और इसके कारण पितरों की विस्मृति होती है। और इसके अलावा यदि भूमि की हानि हो रही है तब भी पितरों नाराज होते हैं, तो इसका कारण पूर्वजों के द्वारा किए गए शुभ कर्मों की आपके द्वारा निंदा होती है, तब भी पूर्वज कई बार नाराज हो जाते हैं क्योंकि आप पूर्वजों का मान नहीं रखा, मान सम्मान नहीं दिया, तभी ऐसे होते हैं। इसके अलावा बहुत देखेंगे यदि आपका रोजगार में परेशानी आ रही है या धर्म विरुद्ध आचरण पितृ दोष की श्रेणी में भी आते हैं। अगर आप आचरण किसी के साथ धर्म विरुद्ध की कर रहे हैं, इससे भी आपका पितृ नाराज हो जाते हैं। और फिर या फिर पितृ जब जीते जी आपने पितरों का इज्जत नहीं किया, आपने पितरों का मान सम्मान नहीं किया, ऐसे जब पूरे हो जाते हैं, जो हमारे पितृ हमारे माँ बाप जब पूरे हो जाते हैं, उनको मान सम्मान नहीं मिलते, जब उनका एक्सपायर हो जाता है, तो आपके ऊपर पितृ दोष लग जाते हैं क्योंकि वो आपके ऊपर संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, तब भी पितृ दोष लग जाता है। यदि मान सम्मान में कमी हो रही है आपके, तो आप समझ जाइएगा आपके ऊपर पितृ दोष है। यदि लगातार आप बीमार रह रहे हैं, आप कोई दवाई आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, आपके ऊपर बहुत खर्चा हो रही है डॉक्टर में हॉस्पिटल में आपके ऊपर बहुत खर्चा हो रही है, और आप कभी भी नदी में गए हैं, कोई पुष्कर जी, गंगा जी, यमुना जी या फिर नर्मदा जी, आप कहीं कभी भी कोई पुण्य नदी सरोवर में गए और नहाने गए, तो मल मूत्र विसर्जन किया किसी पवित्र नदी में, तभी पितृ दोष लग जाते हैं, देवता नाखुश हो जाते हैं। कभी भी ऐसे काम नहीं कीजिएगा। यदि अपमान का सामना करना पड़ रहा है आपको, और ये अमावस्या आपको अमावस्या के दिन जो है पितृ दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं, या फिर यदि घर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, तो ये भ्रूण हत्या आप देखिएगा, आप घर में भी आप ऐसे कई बार होता है कि वृद्धि नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, आप भ्रूण हत्या आप कर रहे हैं, बहुत लोग भ्रूण हत्या करते हैं, तो उससे भी पितृ नाराज हो जाते हैं, पितृ दोष लग जाते हैं। तो आप समझ जाइएगा आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो आपके ऊपर पितृ दोष है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं आपको जो एक 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 करके मैंने बताया आपको, मान सम्मान नहीं मिलना, आपके घर में बरकत नहीं होना, अकस्मत आपके घर में किसी का मौत हो जाना, या फिर आपके घर में क्लेश करे होना, आपके बिजनेस ठप हो जाना, इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, तो आप समझ जाइएगा आपके ऊपर पितृ दोष है। कैसे करें आप श्राद्ध अगर इस तरह की परेशानी है, तो पहले आपको जम के प्रति कौवा, कुत्ते और गाय का अंश जो है इस श्राद्ध के दिन, ये 16 दिन आपको रोज निकालना चाहिए। पहले जो ये 16 दिन होते हैं, घर में जो भी खाना बनती है पहले निकाल दिया जाता है गाय, कुत्ते और कौवे के लिए, उसके बाद आप सब लोग घर में खाना खाइए। और रोज आपको दक्षिण मुख हो के ओम पितृदेवभ्य नमः इस मंत्रों को बोलकर दक्षिण मुख होके आपको पानी अर्पित करके ही खाना जो है आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम पे तर्पण कर सकते हैं,
इससे भी पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बाएं हाथ में जल का पात्र ले और दाएं हाथ के अंगुली जो आपके अंगूठे है उसको पृथ्वी के तरफ करते हुए उस पर जल डालते हुए तर्पण आपको करना चाहिए तिल से, इससे भी पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगा। वस्त्रादि जो भी आप चाहे पितरों के निमित्त निकाल कर आप दान कर सकते हैं, पितरों के नाम पे आपके कोई भी वस्त्र आपका अच्छा कोई कपड़े है वो आप कोई बड़े बूढ़ों को दान कीजिएगा, जो जरूरतमंद है इन लोगों को आप कपड़े का दान, खाने पीने की चीजों का दान आप कर सकते हैं, इससे भी आपको पितृ तृप्त होता है। पितरों की शांति के लिए करें कुछ काम, आपको एक थोड़ा सा आपको बताती हूँ, बहुत छोटा थोड़े थोड़े चीज है इसको आपको करना चाहिए। एक माला प्रतिदिन ओम पित्रो देवभ नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं आप, या फिर भगवत गीता का रोज एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं, इससे भी पितरों तृप्त होता है। और रोज हिंदू धर्म में आपको पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध इस पितृ पक्ष में जरूर हर घर पे पितरों के नाम पे तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से आप देखिएगा आपके अगर पितृ दोष है वो शांत हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, उसके बाद आपको कुछ और टॉपिक लेके मैं आऊंगी। जब तक के लिए एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तक ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। नमस्कार।